हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी डीबी तथा यांत्रिक के एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट्स के बारे में। तो आप लोगों का सवाल था कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किए जाएंगे और साथ ही साथ इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो कब तक कंडक्ट करा सकती है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जाहिर सी बात है, अगर एग्जामिनेशन डेट कंफर्म हो जाएगी तो एडमिट कार्ड भी उसी के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाता है ना। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं उसी के ऊपर, और बाकी आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और बाकी कैसे तैयारी करनी चाहिए बाकी के दिनों में, उसके ऊपर भी बात करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू टेलीग्राम पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए, अनअकैडमी इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये NDA, एयरफोर्स, XY और नेवी के कैंडिडेट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करता है। कैसे? डेली फ्री लाइव टेस्ट है, यहाँ पे 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस है डेली जो मिलती हैं, SSB प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं जो कि बेस्ट तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतनी देर, इतने घंटे या फिर इतने कॉन्टेंट में आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बेस्ट यह है कि यहां पे सारी कोर्सेज जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जो कि कहीं पे आपको नहीं मिलेंगी। आगे अगर बात करें तो यहां पे न्यू बैच आ गई है नेवी के लिए, जो कि है विक्रांत नेवी बैच, डिटेल्ड बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसकी स्टार्टिंग है 25 अगस्त से और ये चलेगी 25 अक्टूबर तक। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनरोल कर सकते हो इसके लिए। दूसरी बैच कोर्स है अग्नि NDA 2 की, ये भी बैच कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है NDA 2 के कैंडिडेट्स के लिए। इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त, आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि NDA एग्जामिनेशन में 1500+ अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जाम क्लियर करा था। एडुकेटर्स भी आपकी स्क्रीन पर ही हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये ऑफर्स हैं, 12 मंथ पे 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री है, साथ ही साथ 24 मंथ पे 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री है। ये ऑफर 1 से 31 अगस्त के बीच में अवेलेबल होंगे और ये है कॉम्बो डिस्काउंट। कॉम्बो क्या है भाई? अगर आप NDA एयरफोर्स XY प्लस नेवी के साथ में SSB सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो वो कॉम्बो बोला जाता है, और उस कॉम्बो के तहत आपको 20% ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट ये तो हो गया, साथ में मेरा जो कोड है ABSTUDY10, ये ऐड करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स कि कॉम्बो के तहत आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। जाओ, फायदा उठाओ, सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब अगर बात करें कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपको ऐप को ओपन करना होगा, लर्निंग ऐप को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा का आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हो, फिर यहाँ पे रेफरल कोड डाल देना जो कि है ABSTUDY10। उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहाँ रेफरल कोड रहेगा, आप सिलेक्ट करना, प्रोसीड टू पे करना और फायदा उठाओ, बस जाओ और ज्वाइन करो। टॉपिक पे तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया था और उसके बाद 16 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चली थी, 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, और ये सारी डिटेल्स थी। जून में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं सीधे एडमिट कार्ड के बारे में कि आखिर एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट इसके लिए रह क्या सकती है, ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 पे टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, दी टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे नाविक जीडी के लिए दिया गया है, डीबी के लिए भी दिया गया है और यांत्रिक के लिए भी। अगर हम बात करें सिर्फ स्टेज वन की, क्योंकि अभी हमें स्टेज वन की ही जरूरत है, तो हम स्टेज वन की अगर बात करते हैं तो इन तीनों के लिए सेम एग्जाम डेट रखी गई है, जैसा कि ऐसे ही होता है इसके लिए। तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो मिड या फिर एंड सितंबर 2021 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड के लिए, तो एडमिट कार्ड जो है यहाँ साफ साफ लिखा गया है, ICG वेबसाइट विल अनाउंस द डेट व्हेन ई एडमिट कार्ड्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फॉर स्टेज 1, 2 and 3। कैंडिडेट्स आर टू डायरेक्टेड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट एंड लॉग इन टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस स्टेजेस। नो ईमेल विल बी सेंड टू कैंडिडेट रिगार्डिंग व्हेन द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। एग्जामिनेशन सिटी विल बी डिस्प्लेड इन कैंडिडेट्स लॉग इन एटलीस्ट 10 डेज प्रियर टू स्टेज 1। द एडमिट कार्ड विद
एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉग इन एंड ई मेल विल बी सेंट ऑन रजिस्टर ई मेल आई डी ओनली 2-3 days प्रियर टू एग्जामिनेशन। अब समझ लो लिखा क्या है, क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या रह सकती है। तो आपकी एग्जामिनेशन डेट 19 से 25 सितंबर के बीच में रह सकती है, या फिर ऐसे बोलें कि 15 से 25 के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये हम 19 भी लेकर चलते हैं 19 सितंबर को, तो आपका जो एग्जामिनेशन डेट और जो एडमिट कार्ड का डेट है वह साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि 10 days प्रियर, यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन सिटी है और आपकी जो एग्जामिनेशन डेट भी होगी वो 10 दिन पहले से इंडिकेट होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे है और आपकी एग्जामिनेशन डेट ये है, तो वो 10 दिन पहले आप देख पाएंगे। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड होगा एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के साथ में, वो 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया जाएगा और वो आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड किया जाएगा। अगर आपके पास वो एडमिट कार्ड नहीं होगा तो फिर आप फेल हो जाएंगे वहीं पे, मतलब आपको एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियरली ये यहाँ पे लिखा गया है, तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। दैट मीन्स कि अगर 19 तारीख हम लेके चलते हैं तो 10 दिन पहले यानी कि 8 या 9 सितंबर को जो है आपका एग्जामिनेशन सिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, आप लॉगिन करके चेक कर पाएंगे। और फिर अगर मान लो कि आपका एग्जाम 19 को ही है तो आपका उससे 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 16 या 17 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होने वाली है और इस तरीके से ही एडमिट कार्ड आएगा। मीन्स कि आपका सेप्टेम्बर में थर्ड वीक से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और थर्ड वीक में ही शायद आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाए, 3rd या 4th week में, इस तरीके से होने वाला है। तो बी रेडी, तैयारी अब कर रहे हो तो अच्छे से करो, क्योंकि थोड़ा टाइम ही बाकी है आपके पास और इन थोड़े टाइम में ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए तो कट ऑफ पता ही है इस बार कितनी गई है, और अगर आप सेक्शन 1 को लेकर चल रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि सेक्शन 3 की जो कट ऑफ जा रही है ना लास्ट सेक्शन की, वो काफी ज्यादा हाई जा रही है। तो आप कोशिश करो कि कम से कम अगर आप जनरल हो तो 60 में से 50 के आसपास लाने की कोशिश करो, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है आपको। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं और इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि सीट्स कम है इसमें, ठीक है, इसमें सीट्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। जैसे कि आप देख रहे हो जीडी के लिए 260 है, डीबी के लिए 50 है, और यांत्रिक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 40 है। हाँ 40 है, तो ये 40, 50 और 260, इसमें इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, कम से कम 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो इतने लोग अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी ना। तो इसलिए आपको मेहनत करते रहना है, तैयारी करते रहना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयारी रहो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि अभी आज है 30 अगस्त, उसके बाद 31 अगस्त, और उसके बाद जब 1 सितंबर आएगा उसके बाद पता नहीं चलेगा कब आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया, कब एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए। तो प्लीज़ मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करो, बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको मैं बताता रहूँगा। और अगर आपको फास्ट अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।